हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं अपने छोटे से गार्डन में। तो देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे टमाटर हैं। आज हम कुछ टमाटर, कच्चे टमाटर तोड़ेंगे और इनका खट्टा मीठा सब्जी बनाएंगे। तो चलिए तोड़ लेते हैं। यह हमने एक ले लिया है, जाली ले लिया है और इसमें से जो है यह टमाटर तोड़ लेंगे। ये बड़ा बड़ा सा है ना, ये ने हम तोड़ लेंगे। तो चलिए तोड़ लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इतना सारा तोड़ लिया है, तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। और बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं किचन में और ये टमाटर हमने धो करके साफ करके ले लिया है। हम इन्हें कट कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा मोटा मोटा हम इसके स्लाइस करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा इस तरह का। ये देखिए थोड़ा मोटा मोटा। आलू को भी हम जो है इसी तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे, थोड़ा मोटे मोटे इस तरह से। प्याज को भी हम सेम इसी तरह कट कर लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा सारा चीजें हम काटेंगे। ये देखिए, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने ले लिया है तेल। इसमें डाल देंगे हम 2-3 सूखी मिर्च, 1 चम्मच 5 फोरन, 5 फोरन का चटक जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारा स्लाइस किया हुआ आलू। तो आलू को हम फ्राई कर लेंगे। तो आलू हमारे हल्के फ्राई हो चुके हैं। इसमें डालेंगे हम ये स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को भी हम हल्का भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये हरे टमाटर की खट्टी मीठी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप अपने घर में एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो प्याज भी हमारा जो है लाल लाल हो गया है। तो प्याज हमारा अच्छे से लाल फ्राई हो चुका है। इसमें डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम थोड़ा भून लेंगे। तो सारे मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, डाल देंगे ये हल्दी पाउडर और डालेंगे ये लाल मिर्च का पाउडर, ये 1/2 चम्मच से भी कम धनिया पाउडर और डालेंगे ये जीरा पाउडर। सारे मसाला को हम थोड़ा सा भून लेंगे। आपने देखा होगा हमने नमक अभी तक नहीं डाला, नमक हम बाद में ऐड करेंगे। तो मसाले हमारे थोड़े भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये कटे हुए हरा टमाटर, इन्हें हम थोड़ा सा और भुनेंगे। तो हमने टमाटर को मसालों के साथ थोड़ी देर भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो जैसे ही हमने नमक डाला फ्रेंड्स, देखिए टमाटर हमारे एकदम सॉफ्ट होने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी। इसे अच्छे से मिला लेंगे और हम इसमें डालेंगे ये चने। ये हमारे पास थे तो हमने डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो ना ही डालें। इसे हम अभी ढक करके थोड़ी देर पका लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, इस समय मेरे पास गुड़ नहीं था तो हमने चीनी डाला है। और इसे जो है ढक देंगे मिला करके। तो चलिए ढक देते हैं, बीच में हम चेक कर लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। हमने बीच में एक दो बार चला भी दिया था।
देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, गल नहीं गए हैं, बस सॉफ्ट किए हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इसको मिला देंगे, बस तैयार है हमारे कच्चे टमाटर का खट्टा मीठा सब्जी। तो फ्रेंड्स सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नया कोई और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।